सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन बीच में ही भाषण देते देते उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठने लगे। भाषण देते हुए उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पीछे खड़े सुरक्षा कर्मी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी को पीछे से पकड़ा और उनकी जगह पर बैठा दिया। बाद में नितिन गडकरी ने बैठे हुए एक गोली भी खाई। बताया गया कि जिस जगह नितिन गडकरी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां नितिन गडकरी को चक्कर आ गया। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में गडकरी बैठे रहे और गर्मी के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। आप भी देखिए कि मंच पर क्या कुछ हुआ। बता दे कि गर्मी का समय है और कुछ जगह पर तापमान इतना अधिक है कि गर्मी सितम ढा रही है। यही कारण है कि नितिन गडकरी वैसे भी काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी को चक्कर आ गए थे और तब भी वह भाषण देते देते रुक गए थे। इस खबर में इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए खबर इंडिया 7 को।